दिल्ली पुलिस हमें बचाओ, दिल्ली पुलिस हमें बचाओ, दिल्ली पुलिस हमें बचाओ, दिल्ली पुलिस हमें बचाओ, दिल्ली पुलिस हमें बचाओ। तो क्राइम करे क्या लैडर? एक एग्जांपल लो, कल छोटा लड़का है, उसको अगर चाकू लग जाता क्या होता? उस इंसिडेंट का आप कैसे आपसे जस्टिफाई करोगे आप? अभी नया सोचो, थोड़े दिन पहले आए हैं, मीटिंग करी है उन्होंने, मीटिंग करके क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद बल्कि और क्राइम रेट बढ़ गया हमारा। अबे सच कोई नहीं है, सब झूठ है, सब अफवाह है, किसी गरीब का कोई नहीं है साला। सच यहाँ है नहीं है, पूरे प्रेम नगर में नहीं है। सच यहाँ रोज चाकूबाजी हो रहा है लाइन पर, कोई देख रहा है? प्रशासन नहीं देख रहा है, एक दिन भी नहीं देख रहा है। गली में रोज हो रहा है, नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है। कोई बीट वाले वहाँ पे नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आ रहा सर। मोबाइल छीनने में लगा रहता है, तो कोई बटुआ छीनने में, कभी किसी के गले से छीन लेता है, कभी पैसा छीन के भाग लेता है। और रोज यहाँ पे कमरे में गेट खुला रहता है, घुस जाता है तुरंत, अब पैसा कौड़ी रखता है, टाई चूटी चले के भाग जाता है। देवर बैकेट में जाता है, रात काम करे, वहाँ से छुड़ी मारा तो दौड़ दौड़ के आ गया यहाँ, पकड़ ले खाती तो भागते भागते यहाँ आके तब बचे, यहाँ चहेट के ला देता है। प्रेम नगर में कोई भी आदमी इस टाइम सेफ नहीं है। नशा पत्ती और ये लाइनों क्रॉस करने के लिए लेडीज से पर्स छीनना, लेडीज के साथ अत्याचार बहुत हो रहे हैं। का बच्चा नाबालिग है, जिस दिन उसको नशे की लत लग जाएगी तो आप ये समझिए कि आपका पूरा परिवार जो है वो तहस नहस हो जाएगा। दिल्ली पुलिस हमें बचाओ, 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 दिल्ली पुलिस हमें बचाओ। इस समय ये लेटर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है, जो कि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों तक ये लेटर जाएगा। सबसे पहले ये SHO साहब जी के पास जाएगा, जो कि पटेल नगर थाना के प्रभारी हैं, उनके पास ये लेटर जाएगा। तमाम जनता ने यहाँ पर सिग्नेचर किए हैं। हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही किसी को प्रेशराइज ना करें, ताकि ये लोग भी अगर प्रेशर के अंदर में आकर के कहीं ऐसा ना हो कि इनके ऊपर में कोई दिक्कत या परेशानी आ जाए। तो मैं निवेदन करूंगा इस लेटर के माध्यम से भी, लोगों से भी, कि इस जितना भी एक पूरी घटनाक्रम हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो संज्ञान में लें, संज्ञान में लेकर के इसको ऐसा वो दिल्ली पुलिस की जय जयकार करें, प्रशासनिक अधिकारियों की जय जयकार करें, और पूरे दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर में मैं आला अधिकारियों से भी और केंद्र की जो सरकार है, और मैं होम मिनिस्ट्री से भी मैं निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर मैं संज्ञान लें। माननीय अमित शाह जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर में काम ऐसा कर दें कि दिल्ली पुलिस और केंद्र की जो सरकार है उसकी जय जयकार हो। दिल्ली पुलिस हमें बचाओ, दिल्ली पुलिस हमें बचाओ, दिल्ली पुलिस हमें बचाओ। क्योंकि दिल्ली पुलिस से गुहार है कि इन लोगों की जान, इनके माल की रक्षा, इनके परिवार की रक्षा दिल्ली पुलिस के हाथों में है, उस खाकी वर्दी के हाथों में है, जिनके ऊपर में पूरे भारतवर्ष को पूरा गर्व है कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं जो इनको न्याय जरूर देगी। जी जिस तरीके से आपने देखा कि ये पूरा मामला जो है ये कहीं ना कहीं नशे से लिप्त है। देखिए पहले तो मैं बताऊँ, सोनू उधर है, मैं चौबे, यहाँ पे जो सोनू के ऊपर प्रेशर बना रही है, चाहे जिस जो टीम हो, चाहे SCP साहब की टीम हो, चाहे SHO साहब की टीम हो, वो गलत कर रही है कि भाई किसी को जो है कि दुश्मन मत बनाओ। आज कल डेट में उन बच्चों के खिलाफ इन्होंने गवाही दे दिया, तो क्या आप इनको लाइफ टाइम सिक्योरिटी का गारंटी ले रहे हो? सिक्योरिटी इनको सिक्योरिटी दोगे? और अगर कल के डेट में इनके साथ कोई आपराधिक घटना घटी तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे? बिल्कुल, रिटर्न में दे दो, गवाह बन जाएंगे। आप सिक्योरिटी उपलब्ध करा दो और ये करा दो, अपना लाइफ टाइम जो है कि इनको सेफ्टी का कर लो, इनके बच्चे का जो आप बोल रहे हो, जबकि ये थे नहीं, उसके बावजूद भी शायद ये अपना जा करके रिटर्न दे दें, कंप्लेन दे दें। आज इनको पूरा दिन तंग किया गया है, ACP साहब से, DCP साहब, SHO साहब, थाने के कई प्रभारी जो हैं इनको लगातार फोन करते रहे हैं। अब इतना प्रेशराइज हो चुके हैं कि आज उनको मीडिया बुलानी पड़ गई। फिर DCP साहब के यहाँ से तो नहीं आया होगा, ACP साहब के यहाँ से हो सकता है कि आया हो, SHO साहब लगे होंगे ना, उनका काम देखिए एरिया को, उनके बात है तो एरिया को सोच रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी कैसे उभर गया जो आवाज उठा रहा है। दबाने का तरीका है ना लोगों का, अब वो जो है कि मोरली इनको जो है कि वो करेंगे, साइकोलॉजिकल इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि बेटा अगर गलती से अब दोबारा ऐसा बोले तो तुम्हें जो है कि जाके गवाही देना पड़ेगा।
अगर साहब इतने ही जो है कि हमदर्द जो है कि हम यहाँ के लोगों के हमदर्द बने हुए हैं, तो वो अपने जो बीट के लोग हैं जिन्होंने पकड़ा है, हथियार पकड़ा है, सब कुछ पकड़ा है, उनको गवाह बना के आगे करें ना। बिल्कुल, वो तो अच्छी बात है कि सरकारी गवाह में भी सरकारी गवाह रहेंगे। क्या मतलब कि पुलिस जज न्यायालय में पुलिस अपनी अहमियत इतना खत्म कर दी है कि उनके पुलिस की गवाही जज साहब नहीं मानेंगे? इतनी अहमियत खत्म हो गई है क्या? आप जो है कि अपनी गवाही दर्ज करो, अपने बीट के लोगों का जो पुलिस वाले पकड़े हैं उसको उनकी गवाही दर्ज करो और उन पे कार्रवाई करो। जनता को क्यों उलझा रहे हो भाई? जनता पे क्यों एक दबाव बना रहे हो? जनता तो आज आप जो है कि इस तरीके से जो कर रहे हो लोगों को दबाव बना रहे हो। अगर जनता जब अपने मरने मारने पे आ गई तब आप क्या करोगे? जो इस तरह का क्राइम कर रहे हैं, जो इस तरह का क्रिमिनल्स बन रहे हैं, उनके ऊपर लठ दंड लेके निकल गई तब फिर आप क्या जवाब दोगे? आखिर अपने जान को बचाने के लिए आदमी कुछ तो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब जान पे आएगी तो कुछ ना कुछ तो हथियार कुछ ना कुछ तो करेगा, हाथ तो उठाना पड़ेगा। तो आप चाहते हो कि जनता जो है कि लठ उठा ले? अगर नहीं चाहते हो तो अपनी यहाँ पे गश्त बढ़ाओ। अब देखो कि कहाँ कहाँ पे जो आपके वसूली गैंग के लोग हैं जो वसूल करके आप तक पैसा अगर नहीं पहुँचाते तो आपका, अगर मैं मानता हूँ अगर आप कह रहे हैं कि मैं कहीं से पैसा नहीं आता उनके पास से, सच्चो बहुत ईमानदार हैं, तो सारे नशे के कारोबार बंद करवा दें अपने बीट के अंदर। इनके लिए नशे के कारोबार बंद हो जाना चाहिए। माननीय पटेल नगर थाना अध्यक्ष SHO साहब जी से मैं अपनी वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं उनसे, आपकी सैलरी इतनी है कि आपके नहीं कुछ तो जितना आप कमा लेंगे, और जिस तरीके से आपने अपने यहां पे स्टिकर लगा रखे हैं, स्टार लगा रखे हैं, आपने जो उपलब्धियां हासिल करी हैं कम से कम उसकी कीमत को आप लोग समझने की कोशिश करें ताकि जनता जो है वो सेफ हो सके। आज जनता जो है वो त्राही त्राही कर चुकी है, अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांगती है उससे जो खाकी वर्दीधारी बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग काम करने को राजी नहीं है। आखिर में ऐसा कब तक चलेगा? इन लोगों को न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा या फिर लठ उठाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके वीडियो के माध्यम से मैं एक बात और बताता हूँ कि SHO साहब अगर 15 दिन के अंदर यहाँ पे बढ़े क्राइम को कंट्रोल नहीं किए तो यहाँ की जनता त्राहिमाम करते हुए स्पेशल कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव जी, जो क्राइम स्पेशल कमिश्नर क्राइम है देवेश श्रीवास्तव जी, उनके यहाँ त्राहिमाम करते हुए पैदल मार्च करते हुए जाएगी। फिर ये लोग अपना देखेंगे कि किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं, मरता क्या नहीं करता। बिल्कुल जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो न्याय के लिए। हाँ, हम और कहीं नहीं जाएंगे, पहले अपने स्पेशल कमिश्नर क्राइम से हम बात करेंगे किस तरह का क्राइम बढ़ रहा है। आप दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर हो स्पेशली क्राइम के लिए, इस पे नियंत्रण करने का, अगर वो फेल होंगे फिर आगे देखेंगे। जनता आप जो भी करेगी पैदल मार्च करेगी और त्राहिमाम करते हुए जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात कही है। बाकी यहाँ की जनता, एक बार कैमरामैन से कहूँगा, एक बार कैमरामैन आप दिखा दीजिए जरा। ये वो जनता है जो लगातार कल भी बनी थी, आज भी बनी है और हर किसी के साथ में बनी है, लेकिन क्या प्रशासनिक अधिकारी क्या इन जनता के साथ में है? ये सोचने वाला बात है। सोचने वाली बात इसलिए हो गई कि ये इतने लोग बैठे हुए हैं, इनके एक एक परिवार के अंदर में अगर चार चार सदस्य हैं तो ये हजारों का परिवार खड़ा होता है, लेकिन अगर उसी परिवार में से अगर एक व्यक्ति के साथ में अगर कोई घटना दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसके परिवार का हाल क्या होगा? इसी तरीके से ये पूरा समाज है। अगर इस समाज के अंदर में अगर आज कोई सेफ नहीं, कोई सुरक्षित नहीं, कोई बहन बेटी अगर सुरक्षित नहीं, तो सवाल तो लाजमी है कि कानून पर और प्रशासन पर उठेंगे। वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दीजिए, वहाँ तक पहुँचा दीजिए जहाँ तक इन लोगों को न्याय मिल सके, जनता को न्याय मिल सके और कानून प्रशासन ये इतना लचीला जो इसका पन है इस समय वो पन खत्म हो करके एक कड़ा कानून बन सके। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण है। अरुण जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर के? आपको इस घटना आपको कल की ये स्पेशली कल की घटना नहीं है, ये घटना तो बहुत पहले से ही हो रही है और प्रेमनगर तुम्हारा वैसे भी फेमस है दिल्ली आर्ट का शादीपुरी वाला, तो इसमें नई चीज कोई है नहीं। प्रशासन को सब पता है, पता होने के बावजूद कुछ नहीं करता। रीजन क्या आ जाता है? सिर्फ एक रीजन आता है कि लड़के जी माइनर है। अरे माइनर है तो उसको ये थोड़ी है, माइनर लड़कों को, माइनर पर्सन को कोई भी होगा तो उनको आपने लाइसेंस दे दोगे क्राइम करने का?
अगर ये तो माइनर तो हर किसी के घर में है, अगर सभी लोग क्राइम करने लग जाएंगे तो आखिर में फिर प्रशासन मैं, मैं वही कह रहा हूँ, तो प्रशासन ये कह के अगर हट जाता है कि नहीं पब्लिक हमें सपोर्ट करेगी, अरे पब्लिक सपोर्ट करेगी, आपके पास पावर है तो आप अपनी पावर का यूज करिए ना, पब्लिक सपोर्ट करेगी, पब्लिक को तो खुद ही घसीटा जा रहा है, अभी सोनू जी को घसीट लिया इन्होंने, अब वही है, अब कल का जो इंसिडेंट था इतना प्रेशराइज किया है तो आपको आप खुद बताइए कि ठीक चीज थोड़ी है, आप क्राइम करने वाला तो क्राइम करेगा, लड़ा एक एग्जांपल लो, कल छोटा लड़का है उसको अगर चाकू लग जाता क्या होता, उस इंसिडेंट का आप कैसे आपसे जस्टिफाई करोगे आप, तो ये चीज है, ये सब प्रशासन ही करा रहा है, प्रशासन को सब पता है, अभी नया सोचो थोड़े दिन पहले आए हैं, मीटिंग करी है उन्होंने, मीटिंग करके क्या हुआ उसके बाद, उसके बाद बल्कि और क्राइम रेट बढ़ गया हमारा, दिन दहाड़े यहाँ पे लूट लपाट सारी, यहाँ नॉर्मल पब्लिक रहती है, लेबर में 6 से 7 स्लम स्लम वाली वाली सबसे बड़ी बात ये है कि स्लम एरिया है, स्लम एरिया में लेबर क्लास ज्यादा बंदा रहता है, उनकी हार्ड हार्ड कोर मेहनत की कमाई है, 8-10 घंटे बंदा पसीना बहाता है, आप बात को समझिए, बिल्कुल, तो जब वो नॉर्मल लेबर लोअर मतलब जनरल जो पर्सन है जनरल जनता है वो ही अगर सेफ नहीं है तो आप सोचिए ना कि क्या पोजीशन होगी हमारे एरिया की, दिन दहाड़े जेब काट लेते हैं, नाइफ रेल रेल अरे रेल फाटक नहीं यहीं पे नॉर्मल गली में दिन दहाड़े आप नाइफ लगा देते हैं, लूट लेते हैं, क्या करोगे आप, वो एक बंदा या तो इस चक्कर में पड़ेगा या अपनी फैमिली संभालेगा या 8-10 घंटे मेहनत करेगा, वो लड़ सकता है आम आदमी, ऐसा नहीं लड़ सकता, लेकिन वो अपनी फैमिली के आगे आ जाती है कि भाई फैमिली का वो सर्वे सर्वा अकेला है, इतने इंसिडेंट हुए हैं कि फैमिली अकेली हो गई और अकेला बंदा कमाने वाला था वो आज उनके साथ नहीं है, तो उसका बताइए ना, उसका कैसे जस्टिफाई करो, प्रशासन कैसे जस्टिफाई करेगा, सवाल है लगातार, सवाल जो है हम लोग करते रहेंगे प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों से, मानिए प्रशासन को तो स्टेप लेना ही पड़ेगा, वो ये कह के नहीं हट सकते कि माइनर है, माइनर है तो माइनर को लाइसेंस नहीं है कि वो क्राइम का लाइसेंस मिल गया, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ स्टेप आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो हम तो इकट्ठे हो गए, हम तो सब जो हमें स्टेप करेगा हम तो लेंगे स्टेप, हमें तो लोग ये भी कह देते हैं कि पुलिस वाले खड़े होते हैं सामने चक्कू लेकर के रहते हैं उनको डर लगता है, कहते हैं बिल्कुल डर लगता है, डर क्यों लगता है, वो खुद करवा रहे हैं, उनकी खुद की फैमिली है, लेकिन आप ये देखिए ना जो पावर में है, जब पावर वाला बंदा है उनको कंट्रोल करने में घबरा रहा है तो आम जनता का क्या पोजीशन होगी, आम जनता की क्या हाल होगा, जिनके पास में पूरी वर्दी है पूरा कानून है तब भी उसके बाद में भी कोई का पावर नहीं, उनको सब पता है, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, हमने तो बल्कि ये प्रपोजल भी कहा था कि हमें पार्क में इतना इंसिडेंट होते थे अभी हार्डली थोड़े दिन पहले बंद हुआ है, हमने तो ये भी आज किया था, ये बोला था कि हमें चौकी चाहिए, तो उसके ऊपर भी कोई स्टेप नहीं हुआ है, कोई काम नहीं कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है, अगर चौकी बना देंगे फिर तो नशा भी चलेगा और धंधा भी चलेगा इनका, अरे कुछ तो करें, पब्लिक को कुछ तो नजर आएगी, कुछ कर रहे हैं, कुछ तो स्टेप ले रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते, कोई नहीं, कहीं ना कहीं सुनने बेटा सन्नाटा जो है वो लगातार प्रशासन की तरफ से जनता के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो है इसके ऊपर में कोई संज्ञान नहीं लेते, यहाँ पे सच कोई नहीं है, सब झूठ है, सब अफवाह है, किसी गरीब का कोई नहीं है साला, सच कहाँ है, सच यहाँ है ही नहीं है, पूरे प्रेमनगर में नहीं है सच, सच तो वो है ना जो जिसके लिए आज आप खड़े हो, प्रशासन किसके, प्रशासन की छोड़ो, तुम कोई पहले की कहेगी तू गलती किया क्यों, वो बेचारा घसटा गया, फ्री में घसटा गया नो, बिना मतलब के घसटा गया, यहाँ रोज चाकूबाजी हो रहा है लाइन पर, कोई देख रहा है प्रशासन नहीं देख रहा है, एक दिन भी नहीं देख रहा है, गली में रोज हो रहा है नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है, कोई बीट वाले वहाँ पे नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आ रहा, रेलवे लाइन पे कोई नहीं, कोई नहीं आ रहा है, रोज चाकू कब लेडीजों का छीन रहा है, कब जेंट्सों का छीन रहा है मोबाइल, रोज चाकू भिरा रहे, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई प्रशासन नगर में ही ऐसा करप्शन हो रहा है, जो पट्टी को छोड़ दो, मानिए हम आप सब हैं, बाकी इसके साथ कोई नहीं देने वाला है, यह परिस्थिति आ गया यहाँ प्रेमनगर के, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए लोगों का आक्रोश भी है और लोगों का जो है वो गुस्सा भी है जो जेन्युइन है, मतलब के सोनू भाई बिना मतलब के घसटा गया, वो बदनाम हो गया, मतलब वो अनजान आदमी घसटा गया बिना मतलब, तो जनता में है, जनता में तो कोई मतलब ही नहीं, वो घसटा जाए यही अच्छा है ना, प्रशासन के नजर में तो यही अच्छा है, कहीं प्रशासन जो है वो अपना पीछा छुड़ा रही है, छुड़ा रही है, वही मैं कहना चाह रहा है कि गलत है, भाई साहब हमारे साथ में कुछ महिला है, जैसा कि आपने कल भी एक महिला का दर्द देखा, दर्द सुना, वहीं पर अभी आज जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो महिला खुद निकल कर के आई है अपना दर्द बताने के लिए कि आखिर में आप तो जाग जाइए, कुछ दिन पहले ही रक्षाबंधन निकला है, 2 दिन अभी बीते नहीं है रक्षाबंधन पे, और ऐसी ऐसी घटनाएं जो है वो दिल्ली के अंदर में हो जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी भाई की कलाई सूनी पड़ जाती है और कहीं ना कहीं जो भाई बहन जो है वो अपने भाई से बिछड़ जाती है, आखिर में कब तक ऐसा चलेगा, हमारे साथ में कुछ बहन जुड़ी हुई है, एक बार हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इनसे, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम आरती है। आरती जी क्या
क्या लगता है आपको लोगों की कि आप लोग सेफ हैं यहाँ पर? जी नहीं नहीं प्रेम ने कर जी हम लोग आते हैं तो कभी कोई मोबाइल छीनने में लगा रहता है, तो कोई बटुआ छीनने में, कभी किसी के गले से छीन लेता है, कभी पैसा छीन के भाग लेता है, और रोज यहाँ पे ऐसा होता रहता है। और छुरा लेके कभी चाकू लेके यहाँ पटरी पे कुछ ज्यादा ही होता है, और गली में भी घुस जाते हैं लोग बाग, मतलब जहाँ पे अंधेरा गली हुआ या हाँ मिला तो वही वो लोग हाँ जी। हम लोग कमरे में गेट खुला रहता है, घुस जाता है तुरंत, अब पैसा कौड़ी रखता है, टाई चूटी लेके भाग जाता है, ऐसा भी ऐसा ऐसे भी करता है। हाँ अब बार मोबाइल ले गया पुलिस कुछ, और जब भी थाना में रिपोर्ट करो कुछ सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, मतलब कुछ भी, चाहे चोरी की रिपोर्ट हो जाए, चाहे चाकू की बाजी, दो बार मोबाइल चली गई है। हम लोग दरवाजा खोल के सोते, गर्मी है तो गर्मी में नहीं सोएगा तो कब सोएगा, और घर में ऐसे मोबाइल लेके चला जाता है लोग बाग, तो हम लोग जान नहीं पाते कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है। जितने भी घर में ऐसे पैसा ये सब इधर उधर ऐसे बैठा रहते हैं, पता नहीं कैसे उठा ले जाता, मालूम नहीं चलता। आप लोग बाहर काम वाम करने जाते हैं? हाँ जी माल अभी काम करने जाते हैं? हाँ जी। अभी आप लोग काम करके ही? हाँ जी, डर लगता है तो हम लोग पहले ही काम छोड़ के आ जाते हैं पटरी के पास से जब निकल। हाँ 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 डर लगता है हम लोग। हाँ जी, तीन तीन बार मेरा देवर बैकेट में जाता है रात काम काम करे, वहाँ से छुरी मारा तो दौड़ दौड़ के आ गया यहाँ पकड़ ले खाती, तो भागते भागते यहाँ आके तब बाचे यहाँ चहट के ला देता है, रात रात में छिपा रहता है वहाँ। ये कहीं ना कहीं जो है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो प्रेम नगर का जो ये रेलवे का जो क्रॉसिंग है, या यूं कहूं कि पटेल नगर का जो रेलवे स्टेशन है वहां से लेकर के दयाबस्ती जखीरा तक जो है, वो इस एरिया के अंदर में आने का ये पूरा जगह है, जिसके अंदर में से जब लोग जो है प्रेम नगर फाटक की तरफ से आते हैं या पटरी पार करके आते हैं, मेट्रो स्टेशन से जब निकल करके बाहर आते हैं पटरी पार करके, तो कहीं ना कहीं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके ऐसे लोग जो हैं वो महिलाओं के ऊपर में भी, या यूं कहूं कि जो व्यक्ति वहां से निकलते हैं उनके पास में कुछ भी मिलता है, चाहे वो सैलरी का टाइम हो, चाहे उनका मोबाइल हो, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे वो 1,000 का हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने नहीं दिया तो कहीं ना कहीं वो लोग आपके हथियार जो है वो भिड़ा देंगे और आपसे जो है वो सामान छीन लेंगे, और आखिर में ऐसा कब तक चलेगा? अब प्रशासन को जो है वो टाइट होना पड़ेगा। अगर प्रशासन अगर ये टाइट नहीं होगा तो ऐसे ही घटनाएं जो हैं वो ऐसे क्राइम जो हैं वो लगातार बढ़ते रहेंगे। आखिर में अब सवाल है प्रशासन से कि प्रशासन अब अपने होते हुए, या यूं कहूं कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से इस मामले को संज्ञान में लेते हैं। हमारे साथ में 7 नंबर गली, जो कि गुरुद्वारे वाली गली कहलाती है, वहीं के गुरुद्वारे के एक्स प्रधान जो है वो इस समय हमारे पास में मौजूद हैं, और इन्होंने एक समय दिया है यहाँ पर, लोगों के साथ में बने रहे हैं, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो किसी भी तरीके का समाज हो, लेकिन समाज के साथ में वो लगातार बने रहे हैं। लेकिन आज इतनी बड़ी घटना को लेकर के आज तमाम पब्लिक जो है वो सामने आना चाहती है, वो भी क्यों? क्योंकि आज इनके साथ में है, कल किसी और के साथ में होगा और परसों किसी और के साथ में होगा, अगर प्रशासनिक अधिकारी इसके मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो। सर, इस पूरी घटना को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं? देखो जी, प्रेम नगर में कोई भी आदमी इस टाइम सेफ नहीं है। नशा पत्ती और ये लाइनों क्रॉस करने के लिए लेडीज से पर्स छीनना, लेडीज के साथ अत्याचार बहुत हो रहे हैं, इसमें कोई भी लेडीज कोई भी आदमी सेफ नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन को कि कुछ सख्ती करके इस क्राइम को रोके। अपने इस एरिया के अंदर में ज्यादा क्राइम होने चालू हो गया है, इसमें मैंने गैंगों को सुना कोई 78 नंबर गैंग आ गया, कोई कौन सा गैंग आ गया, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आज के बच्चे बिल्कुल यहाँ पे सेफ नहीं है, छोटे से लेकर के बड़े कोई भी सेफ नहीं है। पहले 15 नंबर गली में भी कोई खून खराबा हुआ था, अब ये 7 नंबर का नंबर आ गया। ऐसे तो कोई भी गली सेफ नहीं है, कोई भी गली सेफ नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल अब उठता है, मैं उन माँ बाप से कहूँगा, वो प्रवासी जो बाहर से दूसरे राज्यों से वो लोग यहाँ पर आते हैं, यूपी बिहार या अलग तमाम क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, उन पेरेंट्स से जिनके माँ बाप कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं लेकिन अपने बच्चे के ऊपर में वो जरा भी ध्यान नहीं रखते कि आखिर में मेरा बच्चा आखिर में पूरे दिन में उसने किया क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा उन पेरेंट्स से, उन माँ बाप से, उन परिवार वालों से, कि अपने बच्चे के ऊपर में ध्यान रखें कि आपका बच्चा कौन सी संगति में जा रहा है, आपका बच्चा नाबालिग है, जिस दिन उसको नशे की लत लग जाएगी तो आप ये समझिए कि आपका पूरा परिवार जो है वो तहस नहस हो जाएगा। जब बच्चा आपके पास में नहीं होता है तो परमेश्वर से आप लोग अरदास लगाने जाते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि क्या नशा करने के बाद में या उस बच्चे को साथ में अगर कुछ घटना अगर हो जाएगी तब आप किससे जाएंगे दुआ लगाने के लिए, क्योंकि उसने तो आपकी सुन ली, लेकिन यहाँ पर इस जमीन पर
यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है सिवाय उसके, तो उससे डरना सीखिए और अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ खुद निभाना चालू कर दीजिए ताकि इन सभी बच्चों के लिए इनका भविष्य बन सके, इनका परिवार बन सके, ये पूरा समाज जो है वो एकत्रित होकर करके अच्छा समाज बन सके।